किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान इस वक्त अपनी दो फिल्मों को लेकर चर्चा में हैं, जवान जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं एटली और दूसरी है राजकुमार हिरानी की डंकी। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों फिल्मों में कॉमन कनेक्शन क्या है। वेल, इन दोनों फिल्मों में शाहरुख खान एक आर्मी ऑफिसर का रोल अदा करने जा रहे हैं। जवान में किंग खान इज पेयर्ड अपोजिट नयनतारा, जिन्होंने हाल ही में फिल्म मेकर विघ्नेश शिवन से शादी की है। जवान ऑल्सो स्टार्स विजय सेतुपति, जिन्हें हम सब ने शाहिद कपूर की वेब सीरीज फर्जी में बहुत पसंद किया था। इन तीनों सुपरस्टार्स के अलावा फिल्म में सानिया मल्होत्रा, सुनील ग्रोवर, प्रियमणि और योगी बाहू भी नजर आएंगे। जवान इज सेट टू रिलीज ऑन जून 2nd। वैसे सफलता की खास बात यह होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, और लगता है कि यही हो रहा है शाहरुख खान के साथ। पठान की अपार सफलता के बाद किंग खान के साथ एक बार फिर हर डायरेक्टर और हर प्रोड्यूसर काम करने के लिए लाइन लगा रहे हैं। मीडिया उनके कदमों पर है और सब बस SRK के गुण गाए जा रहे हैं। अब अगर सब शाहरुख को अपनी तरफ लाने में लगे हुए हैं तो जियो सिनेमा पीछे रहने वालों में से तो कतई नहीं है, और इसलिए जियो सिनेमा ने राजकुमार हिरानी, शाहरुख खान, तापसी पन्नू और बोमन ईरानी की अंडर प्रोडक्शन फिल्म डंकी के OTT राइट्स खरीद लिए हैं। या डंकी हैज ऑलरेडी लॉक्ड इट्स OTT पार्टनर। डंकी इज बीइंग जॉइंटली प्रोड्यूस्ड बाय जियो स्टूडियोज, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट एंड राजकुमार हिरानी फिल्म, एंड विल हिट द थिएटर्स वर्ल्ड वाइड ऑन December 22, 2023। आपको शाहरुख खान की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, ये आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें। एंड फॉर ऑल द लेटेस्ट हैपनिंग्स इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बॉम्बे ब्लूज़।